नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 14 दिसंबर दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के स्कूलों में अब होगी इंटरनेट की सुविधा, शिक्षकों को लेकर निर्देश जारी। मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख नजदीक। बालू शराब तस्करी के साथ गुमशुदा बच्चों और उग्रवादियों की दे सूचना और पाए इनाम। बिहार में शराबबंदी को लेकर मद्य निषेध मंत्री का बयान। एमएस धोनी को खरीदने के लिए शाहरुख खान ने कहा ये। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बढ़ गई एसबीआई में 5,280 पदों की भर्ती के लिए आखिरी तारीख। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जो भारतीय स्टेट बैंक में सर्किल बेस्ड ऑफिसर के 5,280 पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि अब एसबीआई की ओर से इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब इच्छुक उम्मीदवार 17 दिसंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पास होना अनिवार्य है। वहीं उम्मीदवारों की आयु 31 अक्टूबर 2023 को 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। बिहार के स्कूलों में अब होगी इंटरनेट की सुविधा, शिक्षकों को लेकर निर्देश जारी। अब बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में इंटरनेट का शुभारंभ होने वाला है, जिसके बाद स्कूलों में आईसीटी लैब और ई लाइब्रेरी की भी शुरुआत की जाएगी, जिससे कि बच्चों को किसी भी स्थान से पुस्तकालय की किताबों को पढ़ने की सुविधा मिलने लगेगी। छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए अधिक से अधिक मटेरियल मिलने लगेंगे। मालूम हो कि यह फैसला छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्कूलों में BSNL की सहायता से इंटरनेट की सुविधा की जाएगी। वहीं सबके अलावा दूसरी ओर शिक्षकों के लिए कुछ आदेश भी जारी किए गए हैं, जिसके तहत अब शिक्षकों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस होने वाली है, ताकि शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति को ट्रैक किया जा सके। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे बिंबिसार जेल के बारे में। बिंबिसार जेल का नाम प्राचीन इतिहास के महान राजा बिंबिसार के नाम पर रखा गया है। उन्होंने मगध की नींव रखी, जो बाद में पाटलिपुत्र शहर बन गया। बिंबिसार जेल गृधा कुट्टा हिल के साथ साथ जापानीज पगोड़ा का एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। वह गौतम बुद्ध के एक कट्टर शिष्य थे, जिन्हें उनके बेटे अजात शत्रु ने कैद कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि उनके बेटे ने उन्हें अपने कारावास के लिए एक विकल्प चुनने के लिए कहा था। उन्होंने चुना वह स्थान जहां से वह भगवान बुद्ध को देख सके। राजा बिंबिसार बुद्ध के ज्ञानोदय से पहले पहली बार बुद्ध से मिले और बाद में एक महत्वपूर्ण शिष्य बन गए, जो कुछ बौद्ध सूक्तों में प्रमुखता से प्रदर्शित है। मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख नजदीक। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा IPRD के तहत एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए राज्य के अंगीभूत एवं सरकार से मान्यता प्राप्त संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों तकनीकी संस्थानों से स्नातक उत्तीर्ण सभी कोटि के छात्राओं को प्रोत्साहन भत्ता के रूप में राज्य सरकार की ओर से एक मुफ्त 50,000 रुपए दिए जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में आते हैं जो इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, तो आपके पास इसके लिए आवेदन करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। हालांकि इस योजना के लिए वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने अपना स्नातक 1 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2023 तक में पूरा किया हो। आवेदन करने के लिए medhasoft.bih.nic.in/mkuy-snatak-2021 पर जाएं। वहीं से जुड़ी किसी प्रकार की जानकारी के लिए 9534547098 या 8986294256 पर संपर्क कर सकते हैं। आधार कार्ड को फ्री अपडेट करने की अंतिम तारीख बढ़ी। अगर आप भी उन लोगों में हैं जिन्होंने अब तक अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया है, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि अब आप अपना आधार कार्ड 14 मार्च 2024 तक फ्री में अपडेट करवा सकते हैं। दरअसल UIDAI की ओर से फ्री अपडेट आधार के लिए तारीख को बढ़ाकर 14 दिसंबर 2023 से 14 मार्च 2024
24 तक कर दिया गया है। मालूम हो कि यह मुफ्त सेवा विशेष रूप से माय आधार पर लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है। दरअसल UIDAI की ओर से सभी आधार कार्ड उपयोगकर्ताओं से आग्रह किया गया था कि खास तौर पर उन आधार कार्ड उपयोगकर्ताओं से जिनका आधार 10 साल पुराना हो चुका है वे अपना आधार कार्ड अपडेट करवा ले। ऐसे में लोगों को अपना आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए ऑनलाइन अपडेट सेवा का उपयोग करना होगा या निकटतम आधार केंद्र पर जाना होगा। बालू शराब तस्करी के साथ गुमशुदा बच्चों और उग्रवादियों की दे सूचना और पाए इनाम। बिहार में शराब बालू की तस्करी रोकने और अन्य आपराधिक मामलों पर नकेल कसने के लिए बिहार सरकार की ओर से नया तरीका अपनाने का योजना बनाया गया है। दरअसल राज्य सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि अब राज्य में उग्रवादियों बालू और शराब तस्करों के विरुद्ध सूचना देने वाले को अब पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार राशि 300 से लेकर 3 लाख रुपए तक की होगी। अलग अलग रैंक के पुलिस पदाधिकारी अलग अलग राशि पुरस्कार स्वरूप दे सकेंगे। इस दिशा निर्देश को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश सरकार के उप सचिव द्वारा दिया गया है। राज्य सरकार के उप सचिव सुधांशु कुमार चौबे द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि बालू और शराब कारोबारियों के कारण कानून व्यवस्था की समस्या लगातार उत्पन्न हो रही है। अब इस धंधे में संगठित माफिया भी शामिल हो गए हैं। इस तरह की गतिविधियों में अंतर्राज्यीय अपराधियों का भी हाथ रहता है। इसी कारण इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई है। बता दें कि 1 लाख रुपए का पुरस्कार अपर पुलिस महानिदेशक देंगे, 3 लाख का पुरस्कार पुलिस महानिदेशक देंगे, 50,000 तक का पुरस्कार DIG और IG देंगे, 25,000 रुपए का इनाम SP देंगे। बिहार के 5 जिलों के DM समेत 26 IAS का हुआ प्रमोशन। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नत होने वाले 2010 बैच के अफसरों को विशेष सचिव का ग्रेड दिया गया है, जिसमें 5 जिलों के DM के नाम भी शामिल हैं। बता दें कि जारी किए गए अधिसूचना में जिन अधिकारियों के नाम शामिल हैं उनमें अमरिंदर कुमार, विजय कुमार सिंह, पंकज कुमार, SM कैसर सुल्तान, मिथिलेश कुमार साहू, सुमन कुमार, आशुतोष कुमार वर्मा, दुर्गानंद झा, रामशंकर, विनय कुमार, प्रवीण कुमार गुप्ता, रमेश कुमार झा, गजेंद्र कुमार मिश्रा, राजेश चौधरी, यशस्वती मिश्र, सर्वनारायण यादव, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, दिनेश कुमार राय, बिरेंद्र प्रसाद, अरुण कुमार ठाकुर, मोहम्मद नैयर इकबाल, नवल किशोर, रवि भूषण, कपिलेश्वर मंडल, मिनेंद्र कुमार और राकेश कुमार के नाम शामिल हैं। बिहार की शाही लीची अब पहुंचेगी यूरोप। GI टैग मिलने के बाद बिहार के लीची का विस्तार अब उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत में भी हो रहा है। वहीं अब शाही लीची यूरोप भी पहुंचेगी। दरअसल इस बात की जानकारी राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के अध्ययन से मिली है, जिसमें यह पता चला है कि दक्षिण भारत में तैयार होने वाले शाही लीची निर्यात के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि वहां दिसंबर में भी शाही लीची फल रही है। वहीं राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक में आने वाले दिन में लीची का विस्तार करेगा। इससे किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। इसके साथ लीची का फल साल में 2 बार आम लोगों के लिए बाजार में उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विकास दास ने कहा कि यूरोप के विभिन्न देशों के लिए दक्षिण भारत की लीची सबसे उपयुक्त है। यूरोप में क्रिसमस के समय इसकी बेहतर मांग रहती है। इसके साथ इस समय देश के बाजार में दूसरा कोई मौसमी फल बाजार में नहीं रहता, जबकि गर्मी के दिन में आम उपलब्ध रहता है। बिहार में शराबबंदी को लेकर मद्य निषेध मंत्री का बयान। एक बार फिर से बिहार में शराबबंदी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कुछ दिनों पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी के द्वारा कहा गया था कि वह बिहार में शराबबंदी को खत्म कर देंगे। वहीं अब इस पर बिहार सरकार के मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री सुनील कुमार के द्वारा कहा गया कि बिहार सरकार के द्वारा समय समय पर शराबबंदी का संशोधन किया गया है। हम लोगों का फोकस है कि जो शराब के कारोबारी है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, न कि शराब पीने वालों के खिलाफ। उन्होंने कहा कि बिहार से बाहर 6,000 से अधिक ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और हमारी कार्रवाई लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ने जहरीली शराब से मौत मामले में मुआवजा देने का भी फैसला लिया है और अब तक 150 लोगों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा के रूप में दी गई है। पूर्ण शराबबंदी वापस लेने का सरकार के द्वारा कोई विचार नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि लोगों को इसका व्यापक लाभ मिला है, खासकर गरीब तबकों और महिलाओं को इसका लाभ मिला है। बोधगया में बौद्ध महोत्सव की तैयारी शुरू। 19 से 21 जनवरी 2024 तक बोधगया के कालचक्र मैदान में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि इस कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर गया के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उनके द्वारा वरिष्ठ नोडल अधिकारियों एवं सदस्यों को नामित करते हुए इस महोत्सव से जुड़े आवश्यक तैयारियों को शुरू करने का निर्देश दिया गया।
वहीं इसके अलावा महोत्सव के लिए 16 कार्य समिति एवं कोषांग का भी गठन किया गया है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए कलाकारों का चयन कोषांग का दायित्व है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व बिहार के ख्याति प्राप्त कलाकारों का चयन व आमंत्रण पत्र भेजना है। तैयारी कोषांग का दायित्व है कि पंडाल, मंच निर्माण, रोशनी, ध्वनि व मिनट टू मिनट कार्यक्रम तैयार करना है। आवासन कोषांग का दायित्व है कि कलाकारों, गणमान्य व्यक्तियों के आवासन की व्यवस्था किया जाए। बता दें कि इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे बिंदेश्वर पाठक के बारे में। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक विश्व विख्यात भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता एवं उद्यमी हैं। उन्होंने सन 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की। सुलभ इंटरनेशनल मुख्यतः मानव अधिकार, पर्यावरणीय स्वच्छता, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों और शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन आदि क्षेत्रों में कार्य करने वाली एक अग्रणी संस्था है। इनके द्वारा किए गए कार्यों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है और पुरस्कृत किया गया है। इन्होंने वर्ष 1970 में बिहार सरकार के मंत्री श्री शत्रुघ्न शरण सिंह के सुझाव पर सुलभ शौचालय स्थान की स्थापना की। बिहार से अभियान शुरू होकर बंगाल तक पहुंच गया। वर्ष 1980 आते आते सुलभ भारत ही नहीं विदेशों तक पहुंच गया। सन 1980 में संस्था का नाम सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सुलभ को अंतर्राष्ट्रीय गौरव उस समय प्राप्त हुआ जब संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा सुलभ इंटरनेशनल को विशेष सलाहकार का दर्जा प्रदान किया गया। श्री पाठक को भारत सरकार द्वारा 1991 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2003 में श्री पाठक का नाम विश्व के 500 उत्कृष्ट सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्तियों की सूची में प्रकाशित किया गया। बिहार पहुंचे उद्यमी फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया को देखने पहुंचे। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के द्वारा आयोजित किए गए बिजनेस समिट में शामिल होने के लिए 600 उद्यमी पटना पहुंचे हैं। ऐसे में बीते दिन ये सभी उद्यमी फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया भी पहुंचे, जहां उन्होंने कई तरह के लगे हुए उद्योगों को देखा। हालांकि इस दौरान सारे इन्वेस्टर्स का भव्य स्वागत औद्योगिक इकाई क्षेत्र में किया गया। इस दौरान कई उद्यमियों के द्वारा बिहार में लगे इंडस्ट्रियल एरिया को देख काफी खुशी दिखे और उन्होंने बिहार में उद्योग लगाने का एक अच्छा अवसर के रूप में से देख रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि वाकई में बिहार बदल रहा है और उससे भी ज्यादा यहाँ उद्योग लगाने के बहुत मौके भी हैं। वहीं बता दें कि आज इस समिट का दूसरा दिन है और आज ये सभी उद्यमी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे। दरअसल आज के समिट में सीएम नीतीश भी शामिल होने वाले हैं। वहीं उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक के द्वारा कहा गया कि हमें उम्मीद है कि 35,000 करोड़ का MOU बिहार सरकार के साथ साइन होगा। हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। सीएम नीतीश उद्योगपतियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। सीएम नीतीश ने जानकी मंदिर की रखी नींव। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सीतामढ़ी में मां सीता की भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर नींव रखी गई और फिर सीता कुंड में जाकर विधिवत आरती की गई। मालूम हो कि पर्यटन विभाग के द्वारा सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में 72.47 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। वह इस बारे में बिहार विधान सभापति देवेश चंद्र ठाकुर के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की तर्ज पर ही माता सीता की नगरी पुनौरा धाम को भी विकसित किया जाएगा। बिहार सरकार का यह बहुत बड़ा कदम है। सरकार ने पुनौरा धाम के विकास को लेकर एक बड़ी राशि जारी की है ताकि जल्द से जल्द पुनौरा धाम का डेवलपमेंट हो सके। इससे यहां के स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटकों का माता के दर्शन को लेकर आना जाना होगा। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकारी स्कूलों में होने वाली मासिक परीक्षा की डेट जारी। बिहार बोर्ड की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया है कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चों की मासिक परीक्षा ली जाएगी, जिसकी डेट निर्धारित कर दी गई है। वहीं यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी, जिसमें से पहली पाली की परीक्षा की शुरुआत सुबह 9:30 बजे से होगी, जो कि 11 बजे तक चलेगी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा की शुरुआत सुबह 11:30 बजे से होगी, जो कि दोपहर के 1 बजे तक चलेगी। वहीं अगर किसी पाली में परीक्षा नहीं होती है तो उस दौरान क्लास चलेगी। अगर हम परीक्षा की तारीख की बात करें तो दिसंबर की परीक्षा का आयोजन 26, 27, 28 और 29 दिसंबर को किया जाएगा। मालूम हो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। इसके अलावा वैसे बच्चे जो इस परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं वो आगे की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। इस परीक्षा का प्रश्न पत्र और साथ ही आंसर कॉपी भी बोर्ड की ओर से उपलब्ध करवाई जाएगी। गोपालगंज के मजदूर का बेटा IPL 2024 प्लेयर ऑक्शन की सूची में।
बिहार के गोपालगंज जिले के सदर प्रखंड स्थित दरगाह मोहल्ला निवासी साकिब हुसैन का नाम आईपीएल 2024 प्लेयर ऑक्शन के लिए नीलामी की सूची में शामिल है। ऐसे में फिलहाल साकिब बेंगलुरु में है और इसकी तैयारी में जुटे हैं। बता दें कि साकिब दाएं हाथ के तेज गेंदबाज है और वह पहले से ही चेन्नई सुपर किंग में नेट बॉलिंग के रूप में चयनित है। और चल रही खबरों के अनुसार साकिब का बेस प्राइस अभी 20 लाख रुपए है। मालूम हो कि साकिब 2021 में पटना में होने वाले बिहार क्रिकेट लीग में शामिल हुए थे। इसके बाद अंडर 19 खेलने चंडीगढ़ गए, इसके बाद नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु में शामिल हुए। इसके बाद उन्हें मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलने का मौका मिला। इसके बाद नेट बॉलर के लिए चेन्नई की टीम के लिए चयनित हुए। बता दें कि आईपीएल ऑक्शन में उनका नाम होने से उनके परिजनों के बीच काफी खुशी का माहौल है। बिहार में कड़ाके की सर्दी शुरू। बिहार में अब कड़ाके की सर्दी की शुरुआत हो गई है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष कुमार के अनुसार फिलहाल अगले 5 दिनों तक तापमान ऐसा ही रहने का आसार है। इसके साथ ही अगले 3 दिनों के दौरान सुबह के समय राज्य के अधिकांश भागों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के विश्लेषण के अनुसार राज्य में सतह से 5.8 किलोमीटर ऊपर पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। इसके अलावा 16 दिसंबर से एक और पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है, जिसकी वजह से ठंड में बढ़ोतरी होने की संभावना है। फिलहाल रात में जोरदार ठंड और दिन में हल्की ठंड महसूस की जा रही है। वहीं इसके अलावा उत्तर प्रदेश के आसपास बने पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातीय परिसंचरण के कारण बिहार में कनकनी बढ़ गई है। इनके प्रभाव से 3 से 4 दिनों के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री और गिरावट आने से ठंड में वृद्धि के आसार है। पछुआ हवा के कारण दिन में धूप निकलने के साथ सुबह शाम कनकनी का प्रभाव रहेगा। बिहार में अगले साल पूरी होगी आधा दर्जन एनएच परियोजनाएं। अगले साल से राज्य में करीब 200 किलोमीटर लंबाई में करीब आधा दर्जन एनएच पर वाहन के परिचालन की शुरुआत हो जाएगी। बता दें कि इन आधा दर्जन एनएच में सिमरिया ओंटा फोर लेन हाईवे, बेगूसराय शहर में एलिवेटेड सड़क फोर लेन रजौली बख्तियारपुर पैकेज 3 हाईवे है। वहीं इसके अलावा पटना रिंग रोड का हिस्सा 6 लेन कन्हौली रामनगर फोर लेन बख्तियारपुर मोकामा 2 लेन और 4 लेन छपरा हाजीपुर एनएच भी शामिल है। इन सबके अलावा बिहार में बनने वाले 3 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सहित गंगा नदी पर जेपी गंगा के समानांतर नए 6 लेन पुल को पीएमओ से मंजूरी का इंतजार है। इन सभी को पीएमओ से मंजूरी मिल जाने के बाद निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण सहित अन्य प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मालूम हो कि सभी परियोजनाएं भारतमाला परियोजना फेज 2 का हिस्सा है। बता दें कि ये सभी परियोजनाएं 2000 करोड़ रुपए से अधिक की है और इसको केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सहित वित्त की मंजूरी मिल चुकी है। पत्नी से तलाक के मामले में आरा सिविल कोर्ट पहुंचे पवन सिंह। बीते दिन भोजपुरी फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता और गायक पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक के मामले में आड़ा सिविल कोर्ट पहुंचे। इस बात की जानकारी पवन सिंह के अधिवक्ता सुदामा सिंह के द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि बीते दिन पवन सिंह के द्वारा कोर्ट में अपने पक्ष में सार्थक गवाही दी गई, जो कि करीब 1.5 घंटे तक चली। उन्होंने बताया कि अब तक इस मामले में 4 बार गवाही हो चुकी है। वहीं बीते दिन गवाही के दौरान उनकी पत्नी ज्योति सिंह कोर्ट नहीं पहुंची थी, लेकिन पवन सिंह के द्वारा अपनी बातों को कोर्ट में कुटुम्ब न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह के सामने रखा गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पवन सिंह इस मामले को लेकर बीते 4 महीने के अंदर वह 3री बार कोर्ट पहुंचे हैं। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी इस दिन। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर विज्ञप्ति जारी करते हुए तारीख का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत यह बैठक 29 दिसंबर 2023 को देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाली है, जिसकी शुरुआत 11:30 बजे से होगी, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकारिणी के सदस्य भी शामिल होंगे। हालांकि अब तक इस मीटिंग को लेकर एजेंडा सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन जानकारों के अनुसार दिल्ली में जदयू की बैठक में विपक्षी दलों को एकजुट करने की नीतीश कुमार की मुहिम को और धार मिल सकती है। वहीं मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के साथ अन्य विपक्षी दलों के साथ सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। बिहार में निवेश को लेकर सुशील मोदी ने लालू यादव पर बोला हमला। बीते दिन से बिहार की राजधानी पटना में 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें राज्य सरकार अधिक से अधिक निवेश पाने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसे में इस पर बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के द्वारा राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलते हुए कहा गया कि जब तक बिहार में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव सत्ता में रहेंगे, तब तक उनके डरावने 15 साल को याद कर कोई बड़ा निवेशक जल्दी बिहार नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के आश्वासन पर किसी को भरोसा नहीं है। बिहार में 2 बार इन्वेस्टर्स मीट हो चुका है। इस बार जिस उद्यमी गौतम अडानी को आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू और वामदल कोसते रहते हैं, उन्हें महागठबंधन सरकार रेड कार्पेट पर वेलकम दे रही है।
लोकसभा में सुरक्षा चूक के बाद मोदी सरकार पर हमलावर हुई राजद। बीते दिन लोकसभा में सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। दरअसल बीते दिन दो शख्स अचानक से लोकसभा के दर्शक दरगाह से सदन में कूद गया, जिससे कि वहां हड़कम का माहौल बन गया। हालांकि लोकसभा में मौजूद सांसदों के द्वारा दोनों शख्स को पकड़ लिया गया और फिर लोकसभा में मौजूद सुरक्षा कर्मी भी वहां आ गए और उन्हें पकड़ कर ले गए। वहीं अब इस मामले पर राजद के द्वारा केंद्र सरकार और नए संसद भवन को लेकर जो बातें कही गई थी, उस पर केंद्र सरकार को घेरा गया है। बता दें कि राजद की ओर से इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी एक फोटो पोस्ट करते हुए सवाल दागा गया और नए संसद भवन की सुरक्षा की खामियों पर कटाक्ष किया गया। जेडीयू की ओर से पोस्ट करते हुए लिखा गया है कि याद है ना नए संसद भवन की आवश्यकता, भविष्य को लेकर दूरदर्शिता और अत्याधुनिक सुरक्षा उपायों को लेकर कैसे कैसे कसीदे पढ़े गए थे। एमएस धोनी को खरीदने के लिए शाहरुख खान ने कहा ये। भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की गिनती बेहतरीन कप्तानों में से की जाती है। ऐसे में वर्ष 2017 में धोनी को अपनी टीम केकेआर में खरीदने के लिए शाहरुख खान के द्वारा कहा गया था कि वह धोनी जैसे महान लीडर को खरीदने के लिए अपने कपड़े तक बेचने को तैयार हैं। दरअसल 7 साल पहले आईपीएल ऑक्शन के दौरान बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान ने धोनी को खरीदने को लेकर एक बड़ी प्रतिक्रिया दी थी। शाहरुख ने कहा था कि यार मैं तो उसका ऑक्शन के लिए इंतजार कर रहा हूं, धोनी को खरीदने के लिए मैं अपना पजामा तक बेच दूं, वो एक बार आए तो ऑक्शन में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एमएस धोनी साल 2017 आईपीएल के दौरान राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का हिस्सा थे। धोनी ने पिछले सीजन सीएसके को अपनी कप्तानी में 5वीं बार आईपीएल का खिताब जिताया। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। एनी बेसेंट को 1921 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से विभूषित किया। सन 1998 में हुए 23वें काहिरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में तमिल फिल्म टेरिस्ट में सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए आयशा धारकर को ज्यूरी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत ने 2008 में अर्जेंटीना के खिलाफ अंडर 21 हॉकी टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच 4-4 से ड्रॉ खेला। अपने समय में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध वकील और प्रसिद्ध सार्वजनिक कार्यकर्ता जगत नारायण मुल्ला का जन्म 1864 में हुआ था। निबंधकार लेखक कहानीकार उपेंद्र नाथ अशक का जन्म 1910 में हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय योग गुरु बी के एस अयंकर का जन्म 1918 में हुआ था। भारतीय अभिनेता राज कपूर का जन्म 1924 में हुआ था। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल का जन्म 1934 में हुआ था। भारतीय सिनेमा में बंगाली और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता विश्वजीत चटर्जी का जन्म 1936 में हुआ था। भारतीय नेता इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी का जन्म 1946 में हुआ था। भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज का जन्म 1953 में हुआ था। गीतकार शैलेंद्र का निधन 1966 में हुआ। परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक और फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो का निधन 1971 में हुआ। आज के दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे पैन कार्ड अपडेट के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पैन कार्ड अपडेट के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक फर्जी संदेश जो @theofficialSBI का प्रतिरूपण कर रहा है और दावा कर रहा है कि यदि प्राप्तकर्ता का पैन कार्ड अपडेट नहीं है तो उसका SBL योनो AC ब्लॉक कर दिया जाएगा। पीआईबी ने ट्वीट में आगे लिखा है कि कभी भी अपने बैंकिंग विवरण साझा करने के लिए पूछे जाने वाले ईमेल SMS का जवाब न दे। ऐसे संदेशों की तुरंत रिपोर्ट करें PHISHING@SBI.CO.IN पर। WhatsApp चैनल में आ रहा 3 नया फीचर। कुछ महीने पहले WhatsApp ने ऐप में चैनल फीचर दिया था जो लोगों को बिना नंबर के अपने मनपसंद क्रिएटर, सेलेबस और संस्थान से जुड़ने की सुविधा देता है। अब कंपनी चैनल में कुछ नए फीचर जोड़ने वाली है। अगर आपका भी WhatsApp चैनल है तो जानिए कि क्या कुछ नया आने वाला है। व्हाट्सएप के डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट WA Beta Info के मुताबिक कंपनी चैनल के लिए 3 नए फीचर ला रही है, जिसमें चैनल अलर्ट, हाइड नेविगेशन लेवल और मैसेज को डेट से ढूंढने की सुविधा है। चैनल अलर्ट आपको चैनल के राइट साइड में दिख रहे 3 डॉट मेन्यू में चैनल इन्फो के अंदर ही मिलेगा। यहां आपको वो अपडेट मिलेंगे जो बताएंगे कि आपको चैनल के अंदर कंपनी के नियमों का उल्लंघन किया है। इसके अलावा कंपनी स्क्रीन को नीचे की तरह स्क्रॉल करते हुए नेविगेशन लेवल और टॉप बार को हटाने के लिए एक फीचर ऐप में जोड़ रही है। साथ ही आप चैनल के अंदर मैसेजेस को अपडेट के हिसाब से भी ढूंढ पाएंगे। फिलहाल यह अपडेट व्हाट्सएप के बीटा वर्जन में मौजूद है जो जल्द सभी यूजर्स को मिल सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया कृपया करके यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।
हमारा पहला सवाल है, हाल ही में कौन 4 दिवसीय 27वें WAIPA विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन डी रूस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत। अगला सवाल, हाल ही में किसने विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज पहल का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी रतन टाटा, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। अगला सवाल, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे किए हैं? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी साउथ कोरिया, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी साउथ कोरिया। अगला सवाल, स्वाधीनता दिवस के दिन मुख्तार खाना पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले व्यक्ति जयनाथ पति कहाँ के थे? ऑप्शन ए सासाराम, ऑप्शन बी जमुई, ऑप्शन सी नवादा, ऑप्शन डी बेतिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नवादा। अगला सवाल, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाने के आंदोलन में प्रारंभ में सबसे आगे निम्न में से कौन सा जिला था? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी सासाराम, ऑप्शन डी गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंपारण। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, नंद कुमार सिंह, गुनर शर्मा, अनवर करीम खान, राजकिशोर महतो, रंजीत मिश्रा, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सकीर हुसैन, वेद प्रकाश सिंह, ऋषिकेश शाह, अतीक खान, बाबूलाल मरांडी, उर्मिला कुमारी, धीरज कुमार, ब्रजेश पंडित। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल किन किन कामों को पूरा करने में करते हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।